देखिए ड्रेस के लिए मैंने ये दोनों कलर यहाँ पे लिए हैं थ्री प्लाई की वूल है ये ये देखिए ये थ्री प्लाई की है ठीक है और इसके लिए मैंने यहाँ पे दस नंबर की सिलाइयाँ ली हुई है तो, तो इसको हम रख देते हैं पहले इस कलर का यूज़ करेंगे सबसे पहले हमें हाँ देखो इस तरह से हमें दो लेने हैं धागे ऐसे ये देखो इतना मैं थोड़ा ही इस साइड रख लूँगी बाकी हमारा इधर रहेगा तो इसमें हम सबसे पहले फंदे डालेंगे तो पाँच नंबर लड्डू गोपाल के लिए जैसे हम ड्रेस बना रहे हैं चार और पाँच के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्वेंटी टू फंदे डालूंगी बीस फंदे देखो इस तरह से किया यहाँ पे मैंने कहीं पे नोट नहीं लगाई है गाठ वग़ैरह नहीं लगाई है इसको देखो ऐसे रखा और इसको ऐसे घुमाया ये देखो इसको मैंने ऐसे सिलाई पर रखा सबसे पहले हमें क्या करना है ऐसे ऐसे घुमाया और इसको इधर से इसके ऊपर से उतारा और इसके ऊपर से उतार दिया ऐसे तो ये हमारे एक साथ दो फंदे हो गए ये देखो एक ही हो गया एक ही हो गया फिर देखो इसको ऐसे किया और इधर वाला जो थ्रेड है हमारा बचा हुआ इसको इसके ऊपर से डाला और इसको ऐसे खींच दिया तीन हो गए ऐसे इसके ऊपर से इसको इसके अंदर डाला खींच दिया चार हो गए पाँच सात आठ नौ दस देखो ऐसे हो गया ना ऐसे ही यहाँ पे ऐसे घुमाया उंगली में इसको फंसाया इसके ऊपर से उतारा ऐसे इसको खींच दिया ग्यारह ठीक है इस तरह से करके हमें टोटल ट्वेंटी टू फंदे डाल लेने हैं ऐसे ऐसे बारह हो गए ठीक है तो मैं डाल लेती हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्वेंटी टू फंदे लिए हैं और ये देखिए ये हमारे फंदे जो है लूज़ है सिंगल से ही डाले हैं ज़्यादा टाइट हमें नहीं डालने हैं ठीक है तो अब हम फर्स्ट सिलाई करेंगे ये अपनी फर्स्ट सिलाई उल्टी उल्टी बता लेंगे हम ये देखो ऐसे फंदे में फंदे में हमें सिलाई को आगे की साइड डालना है और इस तरह से उतार लेना है तो ये जो हमारी इस आगे को करके जो हमारी सिलाई बनती है उसको हम उल्टी सिलाई बोलते हैं ये देखो ऐसे हमें उल्टे उल्टा इसको उतार लेना है सभी फंदे ये देखो आगे को सिलाई डाली धागा उतारा और ऐसे उल्टा बना लिया ये देखो ऐसे उल्टा उल्टा हमें ये पूरी सिलाई कर लेनी है और उल्टी साइड से भी कर लेनी है ठीक है जैसे ये मैंने बनाई इधर से कर लेती हूँ और इधर से कर लेती हूँ ये देखिए ये मैंने दो सिलाई यहाँ पे बना ली है एक सीधी बनाई थी जो फर्स्ट सिलाई बनाई थी फिर एक इधर से बनाई दो सिलाई हमारी हो गई है अब हम फिर से इधर आ गए हैं तीसरी सिलाई में हमें क्या करना है ये देखिए यहाँ पे मेरे पास टोटल ट्वेंटी टू फंदे हैं ना तो अब देखो ऐसे सीधे सीधा बुनेंगे अब इसको यानी कि पीछे को सिलाई एंटर करेंगे और हम इनको बन बनाएंगे ये देखो फर्स्ट फंदा मैंने ऐसे बनाया सेकंड फंदा ये देखो अब इस फंदे से हम दो फंदे बनाएंगे एक धागा आगे किया और यहीं से इसी को बना दिया अब इसको हम उतार देंगे ठीक है दो फंदे हो गए हैं ये देखो पहले हमने धागा पीछे किया इसको हमने पीछे की साइड से बनाया ऐसे एक फंदा बनाया इसको सिलाई से नहीं उतारा है और धागा आगे करेंगे इसको इसी को दोबारा से बना लेंगे तो ये मैंने एक बार और बना लिया तो मैंने एक फंदे से दो फंदे बनाए हैं ठीक है आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो एक बार आगे को करो एक बार फिर धागा पीछे करो और इसको पीछे की साइड से बना लो ये देखो दो बना दिए देखो धागा मैंने आगे किया कैसे भी बनाओ पहले आगे करके बनाओ या पहले पीछे करके बनाओ ठीक है लेकिन जैसे भी आप बनाओ वैसे बनाने हैं और हर फंदे से दो फंदे बनाने हैं ये देखो एक धागा पीछे किया और इसी को पीछे की साइड से बना लिया तो ये हमारे हो गए दो फंदे ठीक है अब सभी से हमें दो दो फंदे बनाने हैं लास्ट का एक फंदा हमें सिंपल रखना है इससे हमें दो नहीं बनाने, इसके हम एक ही रखेंगे तो बाकी मैं सभी से बना लेती हूँ ये देखो ये मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं लास्ट का फंदा हमने सिंपल एक बनाया है और शुरू का फंदा भी एक ही रखा था बीच के जो बीस फंदे थे उनको हमने डबल किया है यानी बीस के चालीस हो गए हैं और एक ये और एक ये टोटल हमारे पास फोर्टी टू फंदे हैं ठीक है ठीके? अब पीछे की साइड आ गए हैं हम तो पीछे की सिलाई बिल्कुल प्लेन करनी है इसमें फंदे इंक्रीज नहीं करने यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। ये देखो एक फंदा ऐसे ही ले लिया मैंने और नेक्स्ट फंदा जो बढ़ाए थे हमने सभी को हमें बना लेना है ऐसे बिल्कुल सिंपल पीछे की सिलाई बिल्कुल सिंपल होगी ऐसे ये पूरी सिलाई हमें ऐसे उतार लेनी है और ये हमारी चौथी सिलाई है तो चलिए बना लेती हूँ इसको तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं इधर फोर्थ सिलाई पे थी ना तो मैंने फोर्थ भी बना दी फिफ्थ मैंने सीधी बनाई है बिल्कुल सिंपल और यहाँ से सिक्स भी बना दी ठीक है अब मैं सीधा सीधा बना रही हूँ ये देखो ठीक है तो अब हम सेवन्थ सिलाई पे आ गए यानी अपनी हम सातवीं सिलाई पे आ गए हैं अब हम यहाँ पे फिर से फंदे बढ़ाएंगे तो हम कैसे बढ़ाएंगे ये देखो फर्स्ट फंदा मैंने ऐसे उतारा और सेकंड फंदा मैंने बना लिया दो फंदे हो गए थर्ड फंदे पर हम फंदा बढ़ाएंगे एक बार और इसी को बनाया दोबारा तो ये दो फंदे बना दिए मैंने ये देखो दो फंदे तो ऐसे ही बनाए और इसी से मैंने ये दो फंदे बनाए अब इसको हम छोड़ देंगे ठीक है धागा पीछे किया और इसको एक दो दो फंदे मैंने ऐसे ही बनाए तीसरे फंदे पर मैं एक से दो बनाऊंगी ये देखो एक बनाया इसी को एक बार और बनाएंगे तो ये दो फंदे बन गए अब हम इसको उतार देंगे फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा दो, दो फंदे तीसरा फंदा हम बढ़ाएंगे तीसरे पर हम एक से दो बनाएंगे ठीक है फिर से धागा पीछे किया एक फंदा सिंपल दो फंदा सिंपल तीसरे फंदे पर हम फंदा बढ़ाएंगे ऐसे ये देखो ठीक है फिर से धागा पीछे किया एक फंदा सिंपल दो फंदा सिंपल और तीसरे फंदे पर हम फंदा बढ़ाएंगे तो ऐसे करके मुझे ये सिलाई पूरी कर लेनी है ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है सातवीं सिलाई पे मैंने फंदे इंक्रीज़ किए थे ठीक है फिर मैंने आठवीं सिलाई की और फिर मैंने नौवीं सिलाई भी सीधी कर ली, ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास टोटल फिफ्टी सिक्स फंदे हैं यानी कि छप्पन फंदे हैं देखो मैं एक बार आपको बता देती हूँ ये देखो सबसे पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्वेंटी टू फंदे डाले थे सिलाई में फिर हमने तीसरी सिलाई में क्या किया एक फंदा इधर से रखा सिंपल एक इधर से बीच के बीस फंदे हमने डबल कर दिए ठीक है एक फंदे से दो फंदा बनाया था तो चालीस फंदे ये हो गए और एक ये और एक ये दो फंदे यहाँ पे यानी कि ये हमारे बयालीस फंदे हो गए ये हमने तीसरी सिलाई पर है ना थर्ड सिलाई पर हमने बढ़ाए थे फिर हमने सेवन्थ सिलाई पर सातवीं सिलाई पे हमने फंदे बढ़ाए एक फंदा इधर से हमने वो हमने थर्ड फंदे पे बढ़ाया दो फंदे हमने सिंपल बनाए तीसरे फंदे को हमने डबल किया ठीक है तो इस तरह से करके हमारे टोटल चौथा चौदह फंदे हमारे बढ़ गए फोर्टीन फंदे बढ़े तो बयालीस पहले थे और फोर्टीन ये हमारे सातवीं सिलाई पर बढ़े ठीक है तो टोटल हमारे हो गए फिफ्टी फंदे अब हमारी सिलाई में 56 फंदे हैं और यहाँ पे हम नौ सिलाई कंप्लीट कर चुके हैं अब दसवीं सिलाई आ गई है ठीक है और दसवीं सिलाई पे हम ये वाला ये लगाएंगे ये वाला कलर तो यहाँ से अब हम इसको कलर को जॉइंट करते हैं उल्टी साइड से ठीक है उल्टी साइड से कलर को लगाएंगे ऐसे यहाँ मैं नोट नहीं लगा रही हूँ ऐसे ही इसको लगाएंगे ये देखो इसको खींच लेंगे ऐसे बनाया अब ये जो एक्स्ट्रा जो है इसको हम यहाँ पे दबा लेंगे ये देखो इसको बार बार हम ऐसे दबा लेंगे ताकि ये यह यहाँ पे दिखाई ना दे ये हमारी दसवीं सिलाई है जो हम कर रहे हैं और जब हम दूसरा कलर ऐड करते हैं तो वो हम उल्टी साइड से ही ऐड करते हैं क्योंकि देखो ऐसे रो दिखाई देती है ये उल्टी साइड ही दिखाई देती है सीधी साइड बहुत सफाई दिखती है है ना ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे कलर ऐड हो गया है ये दसवीं सिलाई और ग्यारहवीं सिलाई मैं कर लेती हूँ उसके बाद हम बाजू घटाएंगे देखो फ्रेंड्स दसवीं सिलाई में हमने ये ऐड की थी और ग्यारहवीं सिलाई भी हमने कर दी है यहाँ देखो ग्यारहवीं सिलाई जो सीधी साइड थी वो हमने उल्टी उल्टी बनाई है है ना इसको डिज़ाइन देने के लिए इस कलर से जो हमने सीधी साइड जो सिलाई बनाई है वो उल्टी उल्टी बनाई है अब हम यहाँ पे बाजू के फंदे छोड़ेंगे बाजू बंद करेंगे ठीक है तो देखो कैसे करेंगे टोटल हमारे पास है फिफ्टी फंदे ठीक है उसके लिए देखो ये हमारी ओपन साइड है दो साइड तो यहाँ पे हम नाइन फंदे रखेंगे यहाँ पे नाइन यानी कि नौ यहाँ नौ यहाँ अट्ठारह फंदे हो गए अट्ठारह ही हम पीछे की साइड रखेंगे बंद साइड में अठारह और अठारह यानी कि टोटल हो गए थर्टी सिक्स और दस ये तो छत्तीस हो गए छत्तीस में दस ये करेंगे तो छियालीस हो गए और छियालीस में दस ये इधर वाले बाजू के तो छप्पन हो गए ठीक है अठारह इधर रखने हैं नाइन इधर नाइन इधर और दस और दस यानी कि टेन टेन हमारे बाजू के ठीक है तो सबसे पहले हमें ये नाइन फंदे रखने हैं ये देखो एक फंदा आप बिना बुने भी ले सकते हो पहला फंदा और बुनकर भी ठीक है और ये दो इसी कलर से घटाएँगे तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ हो गए अब दस फंदे हमें बाजू के लेने हैं ये देखो दो घटाए दो लेंगे तो दो से एक फंदा घटेगा ठीक है दो फंदे ले रखे हैं मैंने सिलाई में एक दो दो से एक घट गया एक एक हो गया अब यहाँ पे दो हो गए फिर से इसको घाट लेंगे सिलाई में तीन हो गए फिर इसको डालेंगे, चार पाँच छ सात आठ नौ और एक ये, दस तो ये हमारे दस फंदे हो गए हैं ठीक है अब पीछे की साइड आ गए हैं एक फंदा सिलाई में है और एक ये दो तीन रखने कितने हैं अट्ठारह फंदे चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और एक ये अट्ठारह एक बार पीछे के देख लेते हैं लास्ट के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो ये तो हमारे नौ वे हो गए और बाजू के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है ये हमारे बाजू के हो गए तो चलिए घटाते हैं बाजू को दो का एक बनाया ये हो गया एक दो फिर से इसमें डाला तीन फिर से डाला चार पाँच छः सात आठ नौ और एक ये दस ठीक है अब ये लास्ट के हो गए एक फंदा सिलाई में है दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक ये नौ ठीक है तो इस तरह से ये देखो ये हमारी बाजू हो गई है ठीक है अब ये जो मैंने ये वाली सिलाई तो हमें इसी वूल से कर लेनी है यहाँ पे देखो एक फंदा उतारा तो ये वाली पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बनानी है जो हमने बाजू के फंदे ये घटाए हैं इनको बीच से हमें यहाँ पे टाइट रखना है ये देखो ये फंदे हो गए अब इसको डायरेक्ट इनको बनाएंगे ऐसे यहाँ पे हमें लूज़ नहीं रखना है और पूरी सिलाई हमें ये ऐसे ही करनी है ये देखो अब ये वाले बनाएंगे हो गया अब ये वाली वूल नहीं लगाएंगे अब हम ये वाली वूल लगाएंगे इस कलर से हम बनाएंगे ऐसे अब मैं ये इस कलर से टोटल चार सिलाइयाँ बना लेती हूँ सीधी साइड से सीधी बनाएंगे और उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे और यहीं पे अब इसको घुमा के एक फंदा मैं और बना लूँगी ठीक है तो ये मेरा एक फंदा बढ़ गया ऐसे ही पाँच छः फंदे बनाने के बाद इसी तरह से छः सात बनाने के बाद मैं कहीं पर भी मतलब एक एक फंदा बढ़ा ऐसे सात फंदे यहाँ पर बढ़ा लूँगी ठीक है तो पीछे की सिलाई में टोटल मैं सात फंदे बढ़ा लेती हूँ उसके बाद हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको बताऊँगी ये देखो एक बढ़ाया तो यहाँ पे ये लो अब मैं दूसरा बना लेती हूँ ऐसे इसको पलट के यहीं से मैं दूसरा बना लूँगी ठीक है ऐसे भी बढ़ा सकते हैं और वही धागा आगे और पीछे करके वैसे भी हम बढ़ा सकते हैं दो फंदे हो गए ये देखो जैसे मैंने पहले ऐसे बढ़ाया था अब देखो एक ऐसे बढ़ाया धागा पीछे करके इसी को पीछे की साइड करके ऐसे तीन फंदे ये हो गए इस तरह भी हम फंदे को बढ़ा सकते हैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल हमारे 103 फंदे हो गए हैं पीछे की सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है अब हम इसमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है एक फंदा अब हम बिना बुने लेंगे ठीक है ये फंदा मैंने बिना बुने ऐसे ही उतार लिया अब इन दो फंदों को ये देखो एक और एक ये दो इन दोनों फंदों को हम ऐसे करके पीछे की साइड से एक बना देंगे ठीक है दो का हमने एक बना दिया है उसके बाद देखो एक दो और एक ये तीन तीन फंदे मैंने सिंपल बनाए सिंपल बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और ये देखो धागा आगे है आगे करके और इसको हम ऐसे पीछे की साइड से बना देंगे तो ये जो धागा हम हमारा घूम कर आया यहाँ पे हमारी एक जाली डल गई है ये देखो ये हमारी जाली डल गई है फिर से हम धागा आगे करेंगे और एक फंदा और बनाएंगे ठीक है तो एक फंदा ये एक दो और एक ये तीन तीन फंदे मैंने यहाँ पे बना दिए हैं फिर से अब ये देखो ये वन टू थ्री ये तीन फंदे हमें घटाने हैं तो लेकिन इन तीन में से हम देखो पहले दो वाले दो फंदे को हम ऐसे सिलाई में कर लेंगे ठीक है अब एक ये फंदा हो गया ठीक है अब ये जो बीच वाला है ये हमने आगे रख लिया और इन तीनों को ऐसे करके एक बना देंगे ऐसे ठीक है तो जो ये बीच वाला फंदा है ये हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा ठीक है इसके बाद हमें तीन फंदे यहाँ पे फिर से बनाने हैं एक दो और एक ये तीन ठीक है तीन फंदे बना दिए यहाँ पे तीन का एक बनाया और देखो ये तीन का एक बनाया है तो यहाँ पे दो फंदे बढ़ाए हैं है ना और यहाँ पे दो फंदे घटाए हैं अब ये जो एक फंदा यहाँ पे घटा है ये एडजस्ट होता चला जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने तीन फंदे बना दिए उसके बाद फिर से हमें धागा आगे करना है और अपनी जाली डालनी है ऐसे धागा आगे ही रख के फंदे को मैंने पीछे की साइड बनाया है फिर से धागा आगे रखेंगे और फंदे को पीछे की साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे ये फंदा हो गया एक एक बन गया दो तीन तीन फंदे बनाए उसके बाद ये देखो एक और एक ये दो दो है ना ये बीच वाले को हमें आगे लाना है ये देखो मैं दिखाती हूँ ऐसे अच्छे से देखो वन टू थ्री थ्री है ये बीच वाले को हमें आगे लाना है इसलिए हम ऐसे बीच से मैंने निकाल दिया तो ये आगे आ गया और एक ये तो इन दोनों को इस सिलाई पर डालेंगे और तीन फंदे को तीनों को एक बना देंगे ऐसे ठीक है तो जो बीच वाला फंदा है वो ऊपर आ गया हमारा फिर से वन टू थ्री तीन फंदे मैंने सीधे बनाए और यहाँ पे हमें जाली डालनी है एक फिर धागा आगे किया दूसरी जाली दो जाली डाली और एक फंदा ये सीधा हो गया इसको काउंट करेंगे और इसके बाद दो फंदे और, दो फंदे और दो और ये तीन तीन फंदे हो गए फिर से मतलब हमें एक बार जाली डालनी है एक बार तीन फंदों का एक बनाना है एक बार जाली डालनी है एक बार तीन फंदों से एक बनाना है इसी तरह करके पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और पीछे से प्लेन करनी है सिलाई ठीक है ना पीछे की सिलाई बिल्कुल सिंपल करनी है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं देखिए फ्रेंड्स इतना मैंने इसको बना दिया है चार जाली यहाँ पर मैंने डाली है देखो वन टू थ्री फोर है ना उसके बाद दो सिलाई मैंने ये प्लेन बनाई है यानी आगे पीछे से चार सिलाइयाँ इसी कलर से और फिर यहाँ पे मैंने दूसरा कलर बनाया है यहाँ पे दो जाली मैं बना चुकी हूँ अब यहाँ पे थर्ड जाली बनाएंगे तो आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से कैसे हमें स्टार्ट करना है सारी सिलाइयाँ हमें बिल्कुल सेम एक ही तरह से स्टार्ट करनी है तो ये हमारा पहला फंदा हो गया ऐसे बिना बन बुने उतारा फिर यहाँ से देखो दो फंदे लिए मैंने दो को ऐसे डालना है सिलाई में और दो से एक बनाना है ये मैंने बना दिया उसके बाद फिर से हमें तीन फंदे लेने हैं एक दो तीन तीन फंदे मैंने बना दिए ठीक है फिर हमें जाली डालनी है धागा आगे करके एक फंदा ये मैंने बनाया तो ये हमारी जाली डल गई फिर से धागा आगे करेंगे और एक फंदा ये बनाएंगे तो एक और जाली डल गई और इस फंदे को काउंट करेंगे यहाँ पे वन टू और ये थ्री तो तीन फंदे मैंने इधर बना दिए देखो तीन यहाँ पे बनाए थे घटाने के बाद तीन ये बन गए हैं अब यहाँ पे हमें क्या करना है ये तीन फंदे हमें लेने हैं ठीक है बीच वाले फंदे को हमें आगे लाना है फ्रंट में तो इसलिए हम इसको सिलाई को ऐसे करेंगे ठीक है एक फंदा मैंने यहाँ छोड़ रखा है दूसरे फंदे के बीच में से देखो दो से दो फंदे हम इस तरह से उतार लेंगे सिलाई में और एक ये हो गया ठीक है तो इन तीनों को अब ऐसे तीनों को ऐसे लेकर तीनों से हम एक बनाएंगे तो जो बीच का फंदा है वो हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा घटाने के बाद ठीक है तो ये ऐसे ही एक इसमें रोस ही बनती आएगी देखो जैसे ये बनी हुई है इस कलर में शायद ध्यान से ना दिखाई दे सही से ना दिखे इसीलिए मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ अब तो ये घटाने के बाद हमें फिर से तीन फंदे बनाने हैं एक दो और ये तीन ठीक है फिर से धागा आगे करना है एक फंदा बनाएंगे तो ये हमारी जाली डल गई फिर से धागा आगे करेंगे और फंदे को सीधा बनाएंगे तो एक और हमारी जाली डल गई इस फंदे को भी काउंट करना है ये एक हो गया ये दो और ये तीन सेम इसी तरह से अब फिर से ये घटाने का आ गया है यहाँ पे तीन फंदे के बाद तीन देखो तीन फंदे के बाद जाली फिर तीन फंदे के बाद घटाना फिर तीन फंदे के बाद जाली फिर तीन फंदे के बाद घटाना ऐसे ही चलेगा बीच में से मैंने सिलाई निकाल ली है बीच का फंदा आगे कर लिया और इसको तीनों को ऐसे डालेंगे और अब तीनों को एक बना देंगे ये देखिए फिर से एक दो और ये तीन तक और तीन फंदे बनाए फिर से जाली आ गई है हमारी तो आगे करेंगे धागा और जाली डालेंगे फिर से आगे करेंगे धागा और जाली डालेंगे इसी तरह से हमें क्या करना है पूरी सिलाई करनी है और यहाँ देखो लास्ट में आके हमारे पास ये मैंने जाली डाल रखी है जाली डालने के बाद फिर से तीन फंदे बनाएंगे और यहाँ पे दो फंदे का एक बनाएंगे जैसे इधर शुरू में एक फंदा सिंपल बनाया था दो फंदे से एक बनाया था ऐसे ही सेम यहाँ पे तीन फंदे बनाने के बाद दो फंदे से एक बनाएंगे और लास्ट का एक फंदा हमारा बच जाएगा फिर बैक साइड पर लेन होएगी फिर जब फोर्थ तो जाली हम डालेंगे देखो वन टू और ये थ्री डाल रहे हैं चौथी जाली के लिए जब हम सिलाई बनाएंगे फिर सेम ऐसे ही पहला फंदा सिंपल फिर दो का एक फिर तीन फंदे फिर जाली फिर जाली फिर तीन फंदे फिर घटाएंगे बिल्कुल ऐसे ही हमारी सारी सिलाइयाँ चलती जाएंगी उसके बाद चार जाली करने के बाद मैं दोनों सिलाइयाँ ये वाली भी कर लूँगी यानी कि आगे पीछे से चार सिलाइयाँ करने के बाद हमें अपने ड्रेस को घटा देना है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चार जाली यहाँ पे बना ली है एक दो ये देखो एक दो तीन चार और उसके बाद तीन सिलाइयाँ मैंने सिंपल बना ली है ये उल्टी उल्टी अब हमारी चौथी है अपने वर्क को हम एंड करेंगे तो देखिए कैसे करना है हमें यहाँ पे अब हम सभी फंदों को घटा देंगे ये देखो दो फंदे मैंने सिलाई में लिए और दो का एक बना दिया ठीक है फिर से यहाँ पर इसमें डाला मैंने इसको इस सिलाई में और एक और फंदा हमने लिया और इन दोनों से एक बना दिया इसको फिर से यहाँ पर डालेंगे एक और फंदा उठाएंगे और दोनों से एक बना देंगे ठीक है इसको सिलाई में डालेंगे एक फंदा और लेंगे इन दोनों को एक बना देंगे तो इस तरह से ये हमारी देखो यहाँ पे बंद होता तो चला जाएगा वर्क हमारी डर ये कंप्लीट हो गई है तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई कर लेनी है ठीक है